दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उसके पहले ही चुनावी हलचल दिल्ली में तेज हो चुकी है। इसी बीच कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए कुछ घोषणाएं की, जिनमें ऑटो चालकों का 10 लाख रुपए तक का बीमा, बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देना, होली और दिवाली पर वर्दी के लिए 2500 रुपए, ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाने जैसी घोषणाएं शामिल है। अब इसी पर दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ ने ऑटो वालों से उनकी राय जानी है, देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों के लिए एक नई जो है सुविधा उपलब्ध कराई है। आज हम कुछ ऑटो चालकों से बात करेंगे, किस तरह से वो इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे एक ऑटो चालक मधुसूदन, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुस्तम। रुस्तम जी, दिल्ली सरकार ने 5 गारंटियां लाई है ऑटो चालकों के लिए, पता है आपको? मालूम, मैं सुना, समझ आ रहा हूँ। उसमें पहली गारंटी ये है कि अगर आपके कोई भी घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो उसे किस तरह से देखते हैं आप? उसका प्रीमियम गवर्नमेंट ही भरेगी, उसका प्रीमियम कौन, गवर्नमेंट भरेगी या ऑटो चालक को भरना पड़ेगा? प्रीमियम भी तो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका सरकार आपको 10 लाख रुपए देगी, जब आप भी आपके खर्च आएंगे हॉस्पिटल के, सारे सरकार जो पे करेगी उसको, मतलब दुर्घटना में जो भी होगा सरकार पे करेगी। योजना तो कह रही है अच्छी लाते हैं, लेकिन अगर इनकी सरकार बन जाए तो ऐसा कर सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, दिल्ली सरकार जो ऑटो चालकों के लिए 5 नई गारंटी लेकर आई, उसके बारे में आपको पता है? नहीं, नहीं पता। तो पहली गारंटी ये है कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए जो है इंश्योरेंस दिल्ली सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। इसे किस तरह से देखते हैं? दिल्ली सरकार देते हैं 5 लाख रुपए, तो जो भी खर्चे होंगे दिल्ली सरकार पे करेगी। तो उसके लिए तो दिल्ली सरकार पहले आईडी हमारी जमा करेगी ना, उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई क्या प्रूफ के साथ हमें मिलेगा, ऐसे क्या पता है। इस पे क्या कहेंगे, 5 गारंटियां हैं? गारंटी तो भाई पहले से ही बनी हुई है, मगर बेनिफिट मिलता कहाँ है उन लोगों, हमारे पास इतना टाइम नहीं भागा दौड़ी करने के लिए। सरकार बनेगी तो वहाँ दावा कराया कि सारी 5 बताई चीजें हैं वो सारी चीजें करेंगी। सरकार तो पहले भी बनी हुई थी, अब भी बनी हुई है। क्या लगता है चुनावी कहते हैं तो बहुत कुछ, कानून तो सारे लागू हैं अब भी, आज भी, मगर हम लोगों को मिलता कहाँ है। कैसे देखते हैं, अगर 5 लाख रुपए मिलेंगे, अगर तो 5 लाख रुपए मिलेगा और अच्छी बात है। कैसे आपका कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे की हो, लेकिन अगर हो जाता है तो दिल्ली सरकार जो भी खर्चा आएगा अस्पताल का वो दिल्ली सरकार पे करेगी। अच्छा, उनसे क्या लगता है, फायदा होगा ऑटो चालक को? फायदा होगा, होगा। दूसरी गारंटी उन्होंने ये दी है कि अगर उनके घर पे कोई लड़की है उसकी शादी में 1 लाख रुपए की सहायता दिल्ली सरकार देगी, और बच्चे हैं जो ट्यूशन जाते हैं उनकी फीस भी सरकार पे करेगी। क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया बात है। क्या कहना चाहिए, जितना देश तरक्की करे, अच्छा करे, वो तो भला ही बात है, अच्छी बात है, ये बात है। हम लोग यही चाहते हैं बस, ये सुविधा आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। सर, विधानसभा चुनाव को लेके लोगों से बात करते हैं, ऑटो चालकों से बात करते हैं, क्या कुछ उनकी राय है? जहाँ तक हमने जाता था ऑटो चालकों से बात, उन्होंने कहा जो भी सरकार जो फैसला ले रही है इससे फायदा होने वाला है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो है नाखुश नजर आए। MK न्यूज़ में दिल्ली से शुभ सेठ।